क्या कहती है क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए पूरे 6 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए। जिस कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट्स मिलेंगे आप जानते हैं कि वही एलिमिनेट होगा। वेल, इस बार कोई ट्विस्ट भी हो सकता है। ये ट्विस्ट क्या हो सकता है चलिए आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सबसे कम वोट्स किसे मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा वोट्स किसे मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे कम से। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में सबसे कम वोट्स मिल रहे हैं ईशान सहगल को, नंबर 6 की पोजीशन पर हैं। उसके बाद है आकाशा सिंह, उसके बाद है अफसाना खान नंबर 4 की पोजीशन पर, नंबर 3 पर है डोनाल्ड बिस्ट, नंबर 2 पर विधि पांड्या और नंबर 1 पर विशाल कोठियान। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से विशाल, विधि और डोनाल्ड तो यू नो बच जाएंगे क्योंकि टॉप 3 में है ये लोग, से हाई वोट्स इन्हीं को मिल रहे हैं। अगर बचेंगे तो इन तीनों में से कोई एक जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए अफसाना मुझे लगता है नहीं जाएंगी क्योंकि इस वक्त वो कह रही मैं इंडिविजुअल खेल रही हूँ और मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगी। वो लड़ाई झगड़े भी काफ़ी करती हुई दिखाई दे रही है और बिग बॉस को क्या चाहिए। तो अफसाना इस वक्त लड़ रही हैं, खूब लड़ रही हैं। अब रही बात आकाशा की, तो आकाशा बिग बॉस में बहुत कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, तो हो सकता है कि आकाशा इस हफ्ते एलिमिनेट हो जाए अगर एलिमिनेशन हुआ तो। ईशान भी जा सकते हैं लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईशान को नहीं भेजा जाएगा। उसका रीज़न आप खुद भी जानते हैं कि अभी उनका यू नो मायशा के साथ प्यार इश्क मोहब्बत देखने को मिल रहा है, तो बिग बॉस को भी एक कंटेंट मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो ना भेजे और आगे भी एक यू नो एक प्यार मोहब्बत करने वाले भी तो कोई कपल रहना चाहिए, तो हो सकता है कि इस वजह से मायशा ये ईशान सहगल को ना भेजा जाए। बाकी अगर एलिमिनेशन होता है तो ईशान और आकाशा में से ही जहाँ तक कि कोई जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए किससे जाना चाहिए जिसको गेम बिल्कुल भी नहीं खेलना आ रहा है। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचते।